नमस्कार, बीसीएन न्यूज की प्रदेश की खबरों में मैं दिशा आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। हमीरपुर में जहरीला कीड़ा काटने से युवक की मौत का मामला सामने आया है, जहां भैंस पकड़ने नदी के किनारे गए युवक को जहरीले कीड़े ने काट लिया। अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही युवक ने दम तोड़ दिया। आपको बता दें कि मामला जनपद हमीरपुर के कुरारा ब्लॉक क्षेत्र के बेरी गांव का है, जहां गांव निवासी 40 वर्षीय सुरेंद्र कुशवाहा पुत्र बलवान की अचानक मौत हो गई। मृतक के भाई लाला कुशवाहा ने बताया कि बीती रात नदी के तरफ भैंस लेने गया था, तभी किसी जहरीले कीड़े ने उसे काट लिया है, जिसके बाद उसे आनंद फानंद में इलाज के लिए अस्पताल जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। वही घटना की जानकारी होते ही मृतक के घर में कोहराम मच गया। मृतक अपने पीछे पत्नी सहित दो बच्चों को रोता बिलकता छोड़ गया। घटना की जानकारी ग्राम प्रधान द्वारा स्थानीय पुलिस को दी गई, जिसके बाद पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल कर शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। क्या घटना घटित हो गई है? भैंस लेने गया था नदी उस पार जी, वहाँ से निकलने में कूड़ा करकट था, तो उसमें कीड़ा में पैर पड़ गया, तो समझ में आया कीड़ा ने कौन से कीड़ा ने काट लिया। अच्छा, इसके बाद हम ले जा रहे थे रास्ते में। बीसीएन न्यूज के लिए हमीरपुर से रमाकांत विश्वकर्मा की रिपोर्ट। जनपद महोबा में गुरु गोरखनाथ की तपोभूमि गोरखगिरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन का बेसब्री से इंतजार है। मुख्यमंत्री 10 अगस्त को समवेत दौरे को लेकर महोबा के लोग खासी उत्साहित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 10 अगस्त के संभावित दौरे को लेकर महोबा के लोग खासे उत्साहित हैं। जनपद महोबा में गुरु गोरखनाथ की तपोभूमि गोरखगिरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन का बेसब्री से इंतजार है। आपको बता दें कि बुंदेलखंड के जनपद महोबा में गुरु गोरखनाथ का महोबा से गहरा नाता रहा है। उसे प्रभावित होकर वीर अल्लाह के नाथ संप्रदाय की दीक्षा ली थी। इतना ही नहीं, 1182 में हुए युद्ध के अंतिम समय में गुरु गोरखनाथ के कहने पर ही वीर अल्लाह ने दिल्ली नरेश पृथ्वीराज चौहान को प्राणदान दिया था और संन्यास लेकर उनके साथ ही हिमालय के काजीवन चले गए थे। तारा पाटकर ने बताया है कि योगी सरकार बनने के बाद 23 मई 2017 को वे स्वयं मुख्यमंत्री से लखनऊ में उनके आवास पर मिले थे एवं यहाँ की समस्याओं पर चर्चा की थी। उन्होंने जल्द ही गोरखगिरी आने का वादा किया था, लेकिन वे अब तक गोरखगिरी नहीं आए। योगी जी का हेलीकॉप्टर गोरखगिरी के नीचे पुलिस लाइन मैदान में उतरना है, इसलिए हमें उम्मीद है कि वे इस बार गोरखगिरी के ऊपर स्थित उस सिद्ध बाबा मंदिर जरूर आएंगे, जहां गुरु गोरखनाथ रहती थी। मुख्यमंत्री ने बुंदेली समाज के संयोजक तारा पाटकर के 4.5 साल पहले लखनऊ में मुलाकात के दौरान गोरखगिरी आने का न केवल वादा किया था, बल्कि गोरखगिरी को आदर्श पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की सार्वजनिक रूप से घोषणा भी की थी। नाथ संप्रदाय के प्रणेता गुरु गोरखनाथ 12वीं शताब्दी में कई वर्ष तक महोबा के गोरखगिरी में निवास करते रहे, इसलिए उनके नाम पर पहाड़ का नाम गोरखगिरी पड़ा। क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने जब सत्ता संभाली थी उत्तर प्रदेश की, तो उसके 3 महीने के बाद मैं मई में 23 मई को उनसे 23 मई 2017 को लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास में उनसे मिला था और उनको मैंने यहाँ के फोटोग्राफ्स, यहाँ का लिटरेचर, यहाँ की महोबा के इतिहास की किताब भेंट करी थी और उनको यहाँ के हालात के बारे में बताया था। तो उन्होंने मुझसे वादा किया था कि मैं जल्दी ही गोरखगिरी आऊँगा, महोबा आऊँगा और वहाँ के लिए बहुत कुछ करूँगा, क्योंकि उनको ये सारी बातें पहले से पता भी थी और एक बार गोरखगिरी वो आ भी चुके हैं। जब गीता सिंह उपचुनाव लड़ रही थी, उमा भारती जी ने महोबा चरखारी की सीट छोड़ी थी, उस उपचुनाव में वो आए थे और उसके बाद वो सेवतांडो तक गए थे, तो वो वहाँ आ चुके हैं और इस बात को वो मन से भी कह चुके हैं। बीसीएन न्यूज के लिए महोबा से नितिन नामदेव की रिपोर्ट। कानपुर में जिला प्रशासन हुआ सख्त, लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को ग्राउंड चेकिंग में पकड़ा, सैकड़ों के चालान। कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के लिए उत्तर प्रदेश में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन लगा हुआ है। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रतिदिन कर्फ्यू रहता है। ऐसे में लोग आदेशों का खुलकर उल्लंघन करते नजर आ रहे हैं। इन्हीं अवहेलनाओं को देखते हुए कानपुर के कमिश्नर ऑफ पुलिस के आदेश पर रात 9 बजे से 11 बजे तक जिले के सभी थाना क्षेत्र में ग्रैंड चेकिंग कराई गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग बाहर टहलते या अपने निजी काम से आते जाते पकड़े गए। पुलिस से कई जगह पर जनता से नोकझोंक भी हुई, तो जिनकी जायज वजह थी उन्हें छोड़ा भी गया।
वहीं जो सही वजह नहीं बता पाए उनका चालान भी काटा गया। आने जाने वाले वाहनों की तलाशी भी चली है। बीसीएन न्यूज के लिए कानपुर से विवेक मिश्रा की रिपोर्ट। बीसीएन न्यूज की प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। ऐसे अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।